दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हूँ संतोष नायक। दोस्तों सोच रहा हूँ और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैं अच्छे वीडियो आपको दे सकूँ, और मेरे को एक सजेशन और चाहिए कमेंट में कि मैं एक अपने देश का एजुकेशन सिस्टम है, अपने देश का बिजनेस जो सिस्टम है, अपने देश में जो एक्चुअल में लोगों को कैसे तैयार किया जाए ताकि वो अपने आप को ग्रोथ कर पाए, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी कैसे अपने आप को ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह पैसे की बात होती है, हर जगह पैसा रहेगा तो बिजनेस करेगा, ऐसा रहेगा नहीं। जैसे मैं अपने आप में सोचता हूँ और कई गलतियाँ हुई हैं मेरे से, फिर भी मैं अगर थोड़ी सी अगर सतर्कता और समझदारी रहती थी तो मैं शायद और बेटर पोजिशन में होता था और अच्छे पोजिशन में होता था। लेकिन आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी कोशिश समझ सकते हो। खैर मेरी बात बाद में की जा सकती है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे से जो गलतियाँ हुई है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे कुछ उनकी इच्छा है कि हम भी एक शुरुआत करें, लेकिन कहीं एजुकेशन कहीं इकोनॉमिक उनके बीच में आ जाती है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। कला है उनके पास में लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँ जो से मैं गुजरा हूँ, जिनसे मैं गुजर रहा हूँ। इससे क्या रहेगा कि वो अपने आप को विकसित कर पाएंगे, और जिसके भी अगर मैं कुछ चंद लोगों को भी अगर कुछ कर पाया उनके लिए, तो ये मेरा किस्मत और मेरे अच्छे प्रयास की कोशिश होंगी और जो मैं हमेशा करते रहूँगा। तो इसके लिए मुझे एक अलग से चैनल बनाना चाहिए, या फिर इसी चैनल में मुझे ऐसे वीडियो भी अपलोड करना चाहिए जो टेक्निकली है, मशीन से मैं रिलेटेड अपडेट करता हूँ, टेक्निकल साइंस का ये मेरा चैनल है। लेकिन क्या मैं इसमें ब्लॉग में मैं अपलोड करना चाहिए सेपरेटली, या फिर मैं इसी में अपलोड करूँ, तो ये मुझे ज़रूर बताइए, इसके कमेंट में मुझे बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा है और मैं अच्छे उसमें जा रहा हूँ, तो मुझे अगर व्यू और आपका लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइबर, और अगर आप शेयर कर सकते हो तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। तो चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको कंटिन्यू अच्छी वीडियो दे रहा हूँ। अभी एक छोटा सा, अब हर वीडियो में चाहता हूँ कि एक छोटा सा कम से कम काम की बात जरूर होनी चाहिए जो मेरे से रिलेटेड है, मैं जो काम कर रहा हूँ। जैसा कि मशीन मेरे को कंप्लेंट आते हैं, कोई बोलता है कि भैया मेरे अभी मेरे पास में सडनली एक फ़ोन आया था यूट्यूब के थ्रू कि मेरे आयरन टेबल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ बॉयलर वाला, शायद कोई फॉरेन का था, तो बोले 3 किलो का मेरा स्टीम बॉयलर है, 3 से 4 किलो के मिनी स्टीम बॉयलर और मेरा आयरन है, लेकिन मेरे स्टीम मैं जब भी आयरन करता हूँ तो उससे मेरा पानी निकलता है। तो इसमें एक चीज़ ये देखिए, पानी क्यों निकलता है? पानी इसलिए निकलता है, या तो हमारा पाइप का इंसुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो हम रख के छोड़ देते हैं कुछ देर, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है और वाटर में बदलने लगता है भाप। वो पानी आपके निकल सकता है, 5-10 मिनट बाद भी अगर आप करते होंगे तो हो सकता है वहाँ, यानी कि ठंडी के मौसम की वजह से ठंडा हो जाए और वो जल्दी से पानी बनने लगे। दूसरा होता है कि हमने चालू किया बॉयलर और गर्म तो हो गया, लेकिन हमने प्रेस थोड़ा देर चालू किया और चालू कर दिया प्रेस मारना, तो उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। कैसे रहता है? दूसरे हम जो पिछले दिन हम जो मारते हैं शाम को स्टीम, और शाम को छोड़ के चले, तो वाष्प हवा जो उसमें गैस वो रहती है, भाप जो रहती है स्टीम पानी का, वो भाप फिर बाद में क्या, रात भर जब हम छोड़ के जाते हैं उसमें 2-4, 5-6, 8-10 घंटे बाद में हम जब चालू करते हैं तब तक वो पानी बन चुका होता है, वो पानी उसमें रहता है और वो जल्द अच्छे से अगर प्रेस गर्म नहीं हुआ तो वो उड़ता नहीं है वहाँ से भाप बन के, तो वो क्या है कि हमारे कपड़े में दाग लग जाता है, खास करके वाइट है या चिकन से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम चालू करें तो प्रेस भी गर्म होना चाहिए, और उसको थोड़ा सा बाहर जो भी अपना सिस्टम होगा उसको फ्लैश कर लें, या फिर एक वेस्टेज में ऐसे मार के देख लें। इससे क्या रहेगा कि जो पानी है जो हमारे प्रीमियम वेयर है वो दाग नहीं लगेंगे, कलर वाला है कोई दिक्कत नहीं है, कई बार पता नहीं चलता ये चीज़ें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें मैं और अपडेट करते जाऊंगा, और देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और कौन सा टॉपिक लेके आते हैं।